आपकी कॉपी देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। हम देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने आपके जैसे हजारों लोगों को ग्रीटिंग्स फॉर द डे, आई होप कि आपने ये 100 times बना लिया होगा और आपने ये कमी नहीं की होगी, ये नहीं की होगी कमी, आपने ये नहीं बनाया होगा, आपने ऐसे नहीं बनाया होगा, आपने इसको ऐसे ही बनाया होगा, आपकी सारी लाइन पैरेलल चली होंगी। देखिए हम आपकी कॉपी देख भी रहे हैं और नहीं भी देख रहे हैं। हम देख इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमने आपके जैसे हजारों लोगों को सिखाया है, इसलिए मुझे पता है आप क्या गलती कर रहे हैं, लेकिन हम देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप मेरी बात नहीं मान रहे तो मान लेंगे तो सही हो जाएगी, लेकिन आप मेरी मान ही नहीं रहे, वीडियो पूरा देख ही नहीं रहे, मटेरियल आपके पास है ही नहीं, पेन आपके पास जेल है ही नहीं, कॉपी आपके पास है ही नहीं, आप तभी भी ऐसे ही पूछ बना के लिखोगे, आप ये पूछ बना रहे हो उसमें, तो भाई हम कुछ नहीं कर सकते फिर, क्योंकि हम आपकी कॉपी नहीं देख रहे हैं। हमको ये पूछ नहीं चाहिए, आपको ये पूछ नहीं बनानी है, ये नहीं बनानी, आपको सिंपल यहां से चलना है, फिर आना है और फिर आना है। अगर आप ऐसे बना रहे हैं कि यहां से चले और यहीं से टर्न हो गए, यहीं से टर्न हो, बेकार है सब, इट्स एवरीथिंग इज वॉश्ड आउट, सब बेकार है। आई होप आप ये बनाने लग गए। अब आप क्या करेंगे, नाउ एक बार फिर से हम लोग यही लाइंस बनाएंगे। इस बार क्या करेंगे, इस बार ये करेंगे, देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 फिर ये बनाएंगे आप। देखिए इसको बना के आप बनाएंगे ना इसको, तो आपकी इस लाइंस को भी बनाने की प्रैक्टिस हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही तो मदर है ना, देखो यही तो मदर है ना हर चीज की। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 देखिए मैंने क्या गलती करी, हम ऊपर निकल रहे हैं इस लाइन से, देखिए ऊपर निकल रहे हैं, नहीं कर रहे। अब आप बोलोगे भाई यहां पर मैंने देखो पीछे नीचे अब तक ले गए थे, यहां पर हम ऊपर तक ले जा रहे क्यों? देखिए ये हेल्प करेगा आपकी क्यू लिखने में, जी लिखने में, ये हेल्प करेगा आपकी पी लिख, आपको एल लिखने में, टी लिखने में, और आपको एफ लिखने में बहुत में मदद करेगा आपको, आप एल जैसे लिख भी ले रहे हैं आप, करेक्ट। सो दिस आप बनाइए इसको मिनिमम 30 times एंड एक बनेगा आपका 30 seconds में, फटाफट बनाइए तब इस वीडियो में वापस आइए। उससे पहले अगर आप इस वीडियो को देखेंगे, पॉज नहीं करेंगे, तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी। पॉज करिए, इसको बनाइए, तब वापस आइए। आई होप आपने बना लिया होगा, नहीं बनाया होगा तो आप अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं। अगर आप वीडियो को पॉज करके, आप वीडियो को जंप कर करके देख रहे हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं, आप day 4, day 5, day 6 एक साथ देखना, अपने साथ चीटिंग कर रहे हैं, अपने साथ चीटिंग करेंगे, मेरे पास से क्या ले जाएंगे। अभी देखिए क्या बनाना है मुझे, जैसे हमने पहले बनाया था वही हमको करना है। क्या हमने M बनाया था, वैसे हमको W बनाना है। हमको पहले तो ये बना ले हैं, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए क्या करना है हमको, W में हमको ये छोड़ देना है। W को हम ऊपर से भी ला सकते हैं स्ट्रेट सीधे, जरूरी नहीं है कि हम पहले ले जाएं, जैसे हम दोनों काम कर सकते हैं, नीचे से पहले ऊपर ले जाएं फिर ला करके ऐसे करें, परफेक्ट तो ऐसा ही है जो मैं बना रहा हूं। क्या पहले हम ये ले जाएंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन है, वापस आएंगे, ये ले जाएंगे, ये ले जाएंगे और ये करेंगे, ठीक है। फिर देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन पहले स्लीपिंग लाइन, सॉरी स्लैंडिंग बनी हुई है, इसको वापस आएंगे, ये ले जाएंगे, ये ले जाएंगे और ये ले जाएंगे। अब देखिए ये तीनों मेरी पैरेलल हैं, नीचे हम ऐसे नहीं ले जा रहे हैं, मतलब ये मेरी नीचे ऐसे नहीं, अंडा नहीं देगा, ऐसे गोल नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं कर दीजिएगा इसको कि ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे कर दीजिए, नो, हमको ये बनाना है, ठीक है, देख रहे हैं आप एम कैसे बन रहा है, देखिए बिल्कुल इसका एग्जैक्ट उल्टा एम बन रहा था, ऊपर से ला रहे थे ऐसे,
ऐसे और ऐसे। डब्ल्यू में ठीक है, अभी करेंगे। डब्ल्यू कैसे बन रहा है आप देखिए, यू कैसे बन रहा है, सिंपल। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सेम। इससे ही मुझे कुछ कनेक्ट करना होगा तो हम कनेक्ट कर लेंगे, इसी से आगे मैंने छोड़ा हुआ है। ठीक है, करेक्ट। अब देखिए तीनों हमारे पैरेलल जा रहे हैं, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना। देखिए डब्ल्यू में सब पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, देखिए ठीक है, सब पैरेलल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये मेरा अगर सही बन गया तो सब सही बन गया, एवरीथिंग इज करेक्ट। सो हमने वी बनाने के लिए क्या करना है, यू में हम क्या नीचे से ले जा रहे थे ना, ऐसे ले जा रहे थे और ऐसे ला रहे थे, V में हमको ऊपर से ही लाना है और ऊपर ले जाके W की तरह ऐसे लगाना है, बिल्कुल सेम, कोई अंतर नहीं। U में क्या था ना, हम ऐसे ले जा करके ऐसे ला करके ऐसे कर रहे थे, V जो है W का आगे वाला पार्ट। देखिए W कैसे बनाते हैं, अब जो इसके आगे का पार्ट बनाएंगे वो V होगा, ठीक है ना। यहां से लाए, ये ले गए और इसको बहुत लोग थोड़ा सा पतला भी कर देते हैं, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप चाहेंगे तो बिल्कुल ऐसे बना लेंगे और चाहेंगे तो थोड़ा सा इसको पतला करके बना लेंगे ऐसे, करेक्ट। वी को कुछ लोग ऐसा प्रेफरेंस भी देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी देते हैं, ठीक है। सो हमने अब क्या क्या सीख लिया अभी तक, अभी तक देखिए हमने क्या क्या सीखा। हमने पहले तो एक स्लैन सीखा, देन इस स्लैन से हमने ये सीखा, देन 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 हमने ये सीखा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन कितने दिन में सीख लिया आपने, डे फोर में। टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26। So you are going to learn very faster, very very faster. मुश्किल से अगले दो दिनों में आप 12, 14, 16 लेटर सीख जाएंगे। अब आपको करना क्या है, देखिए इतने को मिला के आप जो कुछ, पहले बात तो इससे अलावा कुछ और लिखेंगे नहीं। आप सोचेंगे नहीं हम ए बना लें, पी बना लें, क्यू बना लें, यू नहीं, कुछ भी नहीं बनाएंगे जो नहीं बना पाते। इससे जो भी लिख लें, जैसे देखिए हम क्या लिख सकते हैं, मिंट लिख सकते हैं, एम आई एन टी। देखिए लिखेंगे हम कैसे, देखिए मेरा पेन उठ रहा था क्योंकि बहुत दूर से पकड़े हुए। आपका पेन उठना नहीं चाहिए, इसको लिखने में मिनिमम आपको सेकंड लगेंगे 30 शुरू में। जल्दी लिखेंगे तो नहीं बनेगा, बहुत धीरे लिखिए। कैसे लिखिए, देखिए ऐसे, इतना धीमे लिखिए। अच्छा होगा ही होगा क्योंकि आपने ये बनाना सीख लिया है। देन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए टेंट। अब केवल ये मिलाएंगे कि आपके सब एक बराबर स्लोप है कि नहीं है, कोई स्लोप तो नहीं गड़बड़ हुआ मेरा, मेरा कोई स्लैन तो नहीं गड़बड़ हो रहा है। हमने क्या बताया था, हैंडराइटिंग कैसे अच्छी होगी, सेम साइज तो आपको ये दो लाइन कर दे रही है आपकी,
ठीक है ना। सेम स्पेस आपको दिख रहा है, एक स्पेस दूसरा स्पेस दिख रहा है, यहां पर स्पेस दिख रहा है, और सेम स्लैंट आपको नहीं दिख रहा है कभी कभी, तो उसके लिए ये बना हुआ है, सेम स्लैंट दिखना चाहिए, करेक्ट। आप क्या गलती नहीं करेंगे, देखो फिर जो मैंने बताया था ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, दिस यू विल नॉट मेक, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी एंड ऑफ डे फोर। जितने वर्ड्स बना सकते हो, नहीं तो मिंट, टेंट, टिंट और लेंट, लेंट बनती हुई स्पेलिंग नहीं मिलती हो, मिंट जो लिख सकते हो लिखते जाइए, कम से कम 3 pages आप लिखेंगे, फुल ऑफ 3 pages, 1, 2, 3, और आप देखेंगे आपकी हैंड राइटिंग चेंज हो चुकी है, हो गई है आपकी हैंड राइटिंग चेंज, होगी नहीं, हो गई है चेंज, क्यों, क्योंकि आपने मेरी बात मानी है। क्या फॉर्मूला बना है, वीडियो आपने देखे हैं, टेक्निक आपने मानी और फॉलो की है, रिसोर्सेस मटेरियल आपने सारे रखे हैं अपने पास, और आपने राइट प्रैक्टिस की है, इसलिए आपकी हैंडराइटिंग चेंज हो चुकी है।